सर्वप्रथम माँ बीड़ा पाणी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने देवतुल्य गुरु सांड बनारसी के चरणों में प्रणाम करते हुए सीधे सीधे आपको काव्य पाठ से जोड़ना चाहता हूँ। सुनिएगा और दादा कैमूर में से आदेश चाहता हूँ शुरू होने के लिए कि कुछ पढ़े या ना पढ़े, कुछ पढ़े या ना पढ़े बस संस्कार के ज्ञानी हो, कुछ पढ़े या ना पढ़े बस संस्कार के ज्ञानी हो, कुछ बोले तो इनमें बस गीता की वाणी हो, कुछ पढ़े या ना पढ़े बस संस्कार के ज्ञानी हो, कुछ बोले तो इनमें बस गीता की वाणी हो, कुछ कुछ पढ़े या ना पढ़े बस संस्कार के ज्ञानी हो, कुछ पढ़े या ना पढ़े बस संस्कार के ज्ञानी हो, कुछ बोले तो इनमें बस गीता की वाणी हो, कुछ बोले तो इनमें बस गीता की वाणी हो, खुद ही सौरेगा हिंद, खुद ही सौरेगा हिंद और मिटेगा जात द्वेष, खुद ही सौरेगा हिंद और मिटेगा जात द्वेष, बस चारों तरफ संस्कार में सनी जवानी हो, बस चारों तरफ संस्कार में सनी जवानी हो। और ये काशी का महत्व क्या है, मुझे पहला सेब जो सबसे आगे सबसे ताजा होता है उसको सबसे पहले लाया जाता है, तो उसी प्रकार सबसे पहले मुझे उतारा गया, तो मैं काशी का प्रतिनिधित्व करूंगा और इस कवि सम्मेलन का भी प्रतिनिधित्व करूंगा। तो काशी का महत्व क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी चार पंक्तियों से, कि जहां महादेव के नारे हो, जहां महादेव के नारे हो वो काशी होता है, जहां महादेव के नारे हो वो काशी होता है, मोह माया से मुक्त हो वो सन्यासी होता है, मोह माया से मुक्त हो वो सन्यासी होता है, जान हथेली पर ले, जान हथेली पर, जान हथेली पर ले घूमी झांसी की रक्षा खातिर, जान जान हथेली पर ले घूमी झांसी की रक्षा खातिर, ऐसी मर्दानी जहां जन्म ले वो काशी होता है, ऐसी मर्दानी जहां जन्म ले वो झांसी होता है। और अब मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर शुरू होता हूं कि न रीत को प्रीत से जोड़ने आया हूं, न कुमकुम बिंदिया और महावर की सौगात लाया हूं, न रीत को प्रीत से जोड़ने आया हूं, न कुमकुम बिंदिया और महावर की सौगात लाया हूं, न नेताओं के हवेली के गुणगान गाऊंगा, न ही जात धर्म के लिए किसी को लड़ाऊंगा, ना ही नेताओं के गुणगान गाऊंगा, ना ही जात धर्म के लिए किसी को लड़ाऊंगा, तुम हो आर्यावर्त के सनातनी ये एहसास दिलाने आया हूं, जो शहीद हुए हैं उनके गुणगान सुनाने आया हूं, हम दिनकर शेखर और भगत के वंशज हैं, हमारे रक्त में है जो आज सुनाने आया हूं। कैसे कटेगा क्लेश इस भारत देश का, कैसे मिटेगा द्वेष जात धर्म के भेद का, कैसे दिलाओगे हक की सिवा शेष का, यही प्रश्न पूछने आया है हर सिपाही इस देश का, यही प्रश्न पूछने आया है हर सिपाही इस देश का। और मैं देखता हूं कि मैं जिस कोचिंग में एक टीचिंग के स्तर पर भी हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो मैंने देखा कि कुछ लड़के जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप उनके पीछे बहुत पैसे खर्च करते हैं, और जब वैलेंटाइन डे का अवसर आता है और काफी ऐसे अवसर आता है तो अपने घर के सारे संस्कार भूल जाते हैं, और उनसे उनका एक पिता उनसे क्या उम्मीद रखता है, तब उन पर मैं चार पंक्तियां कहता हूं कि जब बेटी माँ बाप का अरमान निगल जाती है, जब बेटी माँ बाप का अरमान निगल जाती है, मान मर्यादा और सम्मान निगल जाती है, मान मर्यादा और सम्मान निगल जाती है, जब प्यार का नाम देकर भाई का सम्मान स्वाभिमान निगल जाती है, जब प्यार का नाम देकर भाई का स्वाभिमान निगल जाती है, तब यह कविता भी उस बेटी का गुणगान निगल जाती है, तब यह कविता भी उस बेटी का गुणगान निगल जाती है। और कुछ ऐसे कांड हुए जो आप लोगों ने देखा, तो उसके ऊपर मैं चार चार पंक्तियां देता हूं कि हमको अब इतना आसान न समझा जाए, हमको अब इतना आसान न समझा जाए मात्र जलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना आसान न समझा जाए मात्र जलाने का सामान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, हमें अब किसी से कमजोर न समझा जाए, हमें अब किसी से कमजोर भी न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर पर बोझ, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर पर बोझ, सिर्फ बेटियों को ही बोझ न समझा जाए, सिर्फ बेटियों को ही बोझ न समझा जाए। और समय की अपनी सीमा, इसलिए मैं अपनी अंतिम पंक्तियां पढ़कर और यहां से मैं विदा लेना चाहूंगा कि कलम चीखती और चिल्लाती है कुछ गद्दारों की हरकत से, कलम चीखती और चिल्लाती है कुछ गद्दारों की हरकत से, भारत माता भी सिसक रही है कुछ युवाओं की नफरत से, कलम चीखती और चिल्लाती है कुछ गद्दारों की हरकत से, भारत माता भी सिसक रही है कुछ युवाओं की नफरत से, कागा के गीत लुभाते हैं कोयल की औकात का, कागा के गीत लुभाते हैं कोयल की औकात का, सब रावण के पथ प्रदर्शक हैं, होते
होती राम की बात कहां, सब रावण के पथ प्रदर्शक हैं, होती राम की बात कहां। बहन बेटियों की इज्जत लुटते क्या तुमको आती लाज नहीं, बहन बेटियों की इज्जत लुटते क्या तुमको आती लाज नहीं। विश्व गुरु के पथ पर चलने का क्या तुमको एहसास नहीं, विश्व गुरु के पथ पर चलने का क्या तुमको एहसास नहीं। जो देशभक्त होने की बातें दिन रात चिल्लाते रहते हैं, जो देशभक्त होने की बातें दिन रात चिल्लाते रहते हैं, तो भारत माँ की जय कहने में क्यों बार बार शर्माते हैं, तो भारत माँ की जय कहने में क्यों बार बार शर्माते हैं। गलती हमारी बस इतनी थी, गलती हमारी बस इतनी थी जो सन 47 में विश्वास किया, गलती हमारी बस इतनी थी जो सन 47 में विश्वास किया। तोड़ फोड़ करके तुमने अब देश की दौलत का नाश किया, तोड़ फोड़ करके तुमने अब देश की दौलत का नाश किया। हे परिवर्तक के सुनो पड़ेता, राणा सेवा को याद करो, राष्ट्रभक्त बन उठो निरंतर, गद्दारों पे वार करो, राष्ट्रभक्त बन उठो निरंतर, गद्दारों पे वार करो।